नमस्कार छात्रों, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हमारी कौन सा प्रकरण चल रहा था? संधि का हमारा प्रकरण चल रहा था और हम संधि पूरी कर चुके हैं। और हमारी कौन सी चल रही थी? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में मैंने आपको स्वर व्यंजन वगैरह सब कुछ बताया और आपके लिए जसत्व जो है जसत्व संधि और अनुस्वार संधि आपकी करा दी थी। आज यदि हम बात करें तो आज है पर सवर्ण संधि। कौन सी है? पर सवर्ण संधि। तो पर सवर्ण संधि की यदि हम बात करें तो इसका सूत्र होता है यरो अनुनासिको वा। ये इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब इसका मतलब क्या है सूत्र का? कि कोई भी संधि जो होगी उसका जो सूत्र है उस सूत्र में ही उसकी क्या होगी? परिभाषा होगी। जैसे क्या करें, परिभाषा देखते हैं कि पदांत, पदांत यानी पद के अंत में क्या हो? यर वर्ण। क्या हो? यर वर्ण हो। कि पदांत यर मतलब पद के अंत में क्या हो? यर वर्ण हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है? तो उनके स्थान पर अनुनासिक आदेश होता है। पदांत यर वर्ण के, यर वर्ण यानी पद के अंत में क्या हो? यर वर्ण हो और उनके स्थान पर क्या हो जाता है? यर वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे कवर्ग है, कवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? व। चेवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? ञ। टेवर्ग का पंचम वर्ण है ण। टेवर्ग का पंचम वर्ण है न। और पैवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? मैं। तो ये जो पांचों वर्ण हैं, ये पांचों वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। क्योंकि ये नासिका से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। तो ये तो हुई आपकी परिभाषा, ठीक है। अब यर यर वर्ण यानी जैसे उदाहरण समझते हैं हम, वांग मूलम। वांग मूलम जो शब्द है, एक बात ध्यान रखना कि पर सवर्ण संधि जो होगी उसमें जो ये वाला पॉइंट है यानी फर्स्ट पॉइंट जो है का यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसमें जो पद होगा वो विकल्प से होगा, ठीक है। जैसे इसका संधि विच्छेद समझे हम, तो पंचम वर्ण क्या है? ये कह रहा है कि पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण, तो संधि विच्छेद जैसे वाग प्लस मूलम, ठीक है। ये तो इसका दूसरा पद और क्या होगा? दूसरे पद की यदि हम बात करें तो ये तो इसका हो जाएगा विच्छेद। क्या हो जाएगा? विच्छेद यानी ये पंचम वर्ण क्या है? ये पंचम वर्ण है और उसके बाद क्या आया है? पंचम वर्ण। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और दूसरा जो विकल्प से होगा, विकल्प से होगा वाग मूलम। अब ये जो दो पद हैं, एक तो ये वाग मूलम, ये तो है अनुनासिक का, अनुनासिक संधि का, ठीक है। और दूसरा जो विकल्प से हुआ है वाग मूलम, ये वाला जो पद है ये आपका है जसत्व का, ठीक है। यदि आपके लिए क्या आएगा पेपर में, जैसे ये पद आया तो आप इसका संधि विच्छेद किस प्रकार करोगे? इस प्रकार करोगे। और संधि कौन सी लिखोगे आप? पर सवर्ण संधि। कौन सी लिखोगे? पर सवर्ण संधि। और उदाहरण देखते हैं, जैसे एतन मुरारी, एतन मुरारी। अब पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आया है ने, ने क्या है? ने के बाद क्या आया? मैं। अब यहां पर जो ये है न वर्ण यानी जो पंचम वर्ण है उस पंचम वर्ण का उसी वर्ग का यानी ने, जो जिस जिस वर्ग में ने, कौन से वर्ग का पंचम वर्ण है? ते वर्ग का पंचम वर्ण है। तो
तो त ध ध न, इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, इसी वर्ग में हो जाएगा संधि विच्छेद। जैसे संधि विच्छेद करते हैं इसका अपन, ए तद प्लस मुरारी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तृतीय वर्ण हुआ इसका। अब यदि इसके विकल्प की बात करें तो इसका विकल्प जो होगा ये तो होगा किसका, अनुनासिक का, यानी अनुनासिक का। और जो ये दूसरा इसका जो विकल्प होगा ए तद मुरारी, ये हो जाएगा किसका, जटत्व का, ठीक है। संधि विच्छेद किस प्रकार करोगे आप, इस प्रकार करोगे। और संधि कौन सी लिखोगे, पर सवर्ण संधि। उसके बाद तो ये तो हुई आपकी पर सवर्ण का पहला। अब यदि हम इसके दूसरे उसकी बात बात करें पर सवर्ण की, तो इसका जो दूसरा भाग है वो होता है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, क्या हो जाएगा, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अनुस्वार यानी अनुस्वार क्या है, अनुस्वार का चिन्ह, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ये विसर्ग का चिन्ह है, और ये हलंत का चिन्ह है, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर सवर्ण आदेश होता है, पर सवर्ण आदेश होता है। अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश होता है, कौन से वर्ण पर रहने पर, अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश होता है, क्या रहने पर, यय। सूत्र क्या है, यदि क्या हो, यय वर्ण हो, यय वर्ण यदि हो तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर सवर्ण आदेश हो जाएगा। अब यय वर्ण कौन कौन सी है ये आपको समझना चाहिए। तो यय वर्ण जो है वो ह, य, व, र, ट, सूत्र है। हयवर्ण के य से लेकर, हयवर्ण के य से लेकर क प य के कहां तक, क प य के यह तक, आयावर्त के यह से लेकर कप या के यह तक के जो वर्ण है वो सभी आपके क्या कहलाए जाएंगे, यजावर्ण। अब आयावर्त में ह, य, व, र, क, प, ये वाले वर्ण जो होंगे, आयावर्त लण, यम, लण, जब, गर्दस, जब, गर्दस, क, प, य। तो आयावर्त ह, य, व, र, ल, ज, भ, ग, ढ, द, च, ये वाले जो पद होंगे यानी क, प, य, के, य तक जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, यजवर्ण कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, यजवर्ण कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। उदाहरणों की यदि हम बात करें, जैसे अंकित, अंकित, ठीक है। संधि विच्छेद किस प्रकार करते हैं कि पंचम वर्ण के आदेश स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, अं, दन, अं, दन, कितह, अं, दन, कितह, ठीक है। अब अनुस्वार कहाँ है, यहां पर अनुस्वार है, ठीक है। अनुस्वार ये दिया हुआ है इसका, तो उसके बाद क्या होगा, अब अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर सवर्ण, पर यानी पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे अम धन कितह, ये हो गया मूल शब्द, क्या बन जाएगा, यानी पूर्ण रूप से जो शब्द बनेगा आपका संधि का वो क्या बनेगा, अंकित। नहीं आया समझ में, दोबारा समझाते हैं। देखो ये उदाहरण, अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण जैसे पंडित, ये पद है, पंडित जो पद है इसमें पंचम वर्ण कौन सा है आपका,
है और उसी वर्ग का क्या आया है, ड आया है। ठीक है, ट ध ड, ये पंचम वर्ण है आपका। ठीक है, और उसी वर्ग का क्या आया है, ड आया है। संधि विच्छेद देखते हैं, पंडित का संधि विच्छेद क्या होगा, पम प्लस ऋत, पम प्लस ऋत। ठीक है, अब इस पंचम वर्ण का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और जो बाद वाला पद है यानी उसी वर्ग का वर्ण, उसी वर्ग का पद। और यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर जो परिभाषा थी वो कह रहा है, वो परिभाषा कह रही थी कि क्या हो, अनुस्वार के बाद क्या हो, यजवर्ण हो। अब ण ण की यदि हम बात करें तो हयवर्ण के ह, य, व, र, ल, झ, भ, ग, ड, द, च, ये वाले जो पद है यानी क, प, य के य तक, तो उसमें क्या आ रहा है आपके, यय वर्णों में क्या आता है, ड। क्या कह रही थी कि अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है, पर सवर्ण आदेश होता है यदि क्या हो, बाद में यय वर्ण हो। तो जो ड है आपका वो क्या है, ड वर्ण है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, और दूसरे उदाहरणों में शांत, ये वाला पद है, शांत, शांत पद है। अब जो ने है, ने पंचम वर्ण है, उसके बाद जो ये वर्ण है त, ये किस में आता है, यजवर्ण में आता है। किस में आता है, यजवर्ण में। तो क्या हो जाएगा, शाम प्लस त, क्या हो जाएगा, शाम प्लस तह। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, ज्यादा खोलना चाहें पद को तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, अनुस्वार, अनुस्वार से यही पर सवर्ण यानी अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश होता है। तो ये आपका अनुस्वार है, इसके स्थान पर सवर्ण क्या हुआ, पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, यदि बाद में क्या हो, यजवर्ण हो। और उदाहरण देखते हैं, जैसे दिनांक, ये वाला पद है, क्या है, दिनांक। तो यदि हम इसको पहले उसमें बदलें, मैं में, तो दिनांक प्लस कह, ये आएगा। ठीक है, ये जो पंचम वर्ण है, अनुस्वार का क्या, अनुस्वार जो है वो मैं हलंत के रूप में भी काम में आता है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, दिनाम प्लस कह, क्या हो जाएगा, दिनाम प्लस कह। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो पद है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिनांक, ये क्या हुआ आपका, पंचम वर्ण हुआ। और उसके बाद क्या आया है, परिभाषा क्या कह रही थी हमारी, कि अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण होता है यदि बाद में क्या हो, क्या हो, यवर्ण हो, क्या हो। अब जो ये कह, उसमें मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, क्या बताया था, कि हयवर्ण के य से लेकर क, प, य के य तक। तो देखो क आ रहा है, क किसमें आया, यवर्ण में आया, किसमें आया, यवर्ण में आया। तो उसके स्थान पर क्या हुआ, पंचम वर्ण आदेश हुआ आपका। ठीक है, अब यदि हम इसके दूसरे भाग की बात करें, अंतिम भाग की, व्यंजन संधि के अंतिम भाग की यदि हम बात करें, तो इसका अंतिम सूत्र होता है तोरली। तोरली सूत्र है इसका, जो कि पर किस में ही आएगा, पर सवर्ण में ही आएगा। ठीक है, तोरली जो है वो अनुस्वार अनुनासिक संधि के पर सवर्ण में ही आएगा। तो इसकी परिभाषा यदि हम बात करें, तो परिभाषा है कि त वर्ग के बाद क्या हो, त वर्ग के बाद ल आए, त वर्ग के बाद क्या है, ल आने पर, त वर्ग के बाद ल आने पर क्या होता है, लकार, लकार आदेश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लकार आदेश हो
हो जाता है। त वर्ग के बाद ल आने पर लकार आदेश होता है, यानी ये क्या कह रहा है कि विच्छेद से पहले तो क्या हो, त वर्ग हो, और विच्छेद के बाद क्या है, ल आए, तो ल क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, यानी डबल द्वित्व ल हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में तल्लय पद है, ठीक है, तल्लय पद है, तो इसका क्या हो जाएगा, तद प्लस, यानी ले किस में बदल जाएगा, द में, और बाद के पद को वैसे ही उतार देंगे। अब इसको दोबारा देखते हैं, तल प्लस लय बराबर क्या आ जाएगा, ले यहां पर भी आ गया और यहां पर भी आ गया, किसके स्थान पर हुआ है, द के स्थान पर क्या हुआ है, ले हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, संलेखना, क्या है, संलेखना पद है, संलेखना पद में क्या हो जाएगा, संलेखना ये पद है, अब ले के बाद क्या आया है, ले आए, तो ये क्या कह रहा है कि तय वर्ग के बाद क्या आए, ले आए, तो लकार आदेश होता है, तो सत प्लस बाद का पद वैसे ही लिखा जाएगा, लेखना, ठीक है। अब ये तय किस में बदल जाएगा, ले में बदल जाएगा, सल प्लस लेखना, यानी क्या आएगा, तय वर्ग के बाद, यदि यहां पर भी आपको दो ले दिखाई दे तो ल किस में बदल जाएगा, त वर्ग में, किस में बदल जाएगा, त वर्ग में बदल जाएगा, तो त यहां पर आ गया, उसके बाद क्या आया, ल, देखो एक ल ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये दोनों, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, जगल्लियते, ये पद है, जगल्लियते संधि विच्छेद कैसे करेंगे, जगत प्लस लियते, ठीक है, इसके स्थान पर क्या हुआ, ले हुआ, ठीक है, ले के बाद क्या आया, ले, यानी ले किसके स्थान पर हुआ है, त वर्ग के स्थान पर, किस वर्ग के स्थान पर हुआ है, त वर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, ले हुआ है, ठीक है। ये हुई आपकी व्यंजन संधि। इसके बाद हम अगली संधि की यदि बात करें तो वो आती है आपकी कौन सी, विसर्ग और अंतिम संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की सबसे पहले क्या देखते हैं, हम परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या कहेगी कि जब विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो, क्या हो, कोई परिवर्तन हो, किसके स्थान पर हो, विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर हो, विसर्ग के स्थान पर, जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो तो वो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ध्यान रखना यहां पर विच्छेद से पहले क्या लगाया जाएगा, विसर्ग लगाया जाएगा, और उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन, यानी विच्छेद से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, विसर्ग तो अनिवार्य है विसर्ग संधि में। क्या जब पहले संधि की यदि हम बात करें तो इसके पहले संधि में क्या आती है, सत्व विसर्ग संधि, क्या आती है, सत्व विसर्ग संधि। वैसे इसके चार पांच भाग हैं, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, विसर्ग से लोप इत्यादि, एते सर्वे विसर्ग संधेय उदाहरण सन्ति, तरी हम वयम वदिष्यामः तत्व विसर्ग संधि उदाहरणानि। तो हम बात करते हैं तत्व विसर्ग संधि की सबसे पहले सूत्र की, तो सूत्र जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि तो सूत्र में आपकी क्या होती है, परिभाषा, तो सूत्र क्या होगा, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य क्या होगा, किम भविष्यति सूत्रम, सूत्रम भविष्यति विसर्जनीयस्य,
विसर्जनीयः स। अस्य को अर्थः? सूत्रस्य को अर्थः? वयं जानीमः। कि सूत्र का अर्थ क्या है? वयम यानी हम सब जानेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो परिभाषा में क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? सकार आदेश होता है। सकार आदेश होता है। क्या रहते? सकार विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है यदि बाद में क्या हो? खर वर्ण हो। क्या हो? खर वर्ण हो। ठीक है, कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। अब देखो सकार क्या है? सकार का अर्थ होता है, सकार का मतलब होता है आपका तीनों शब्द, मूर्धन्य तालव्य क्या होगा, इतुषा नाम तालु, इतुषा नाम मूर्धा और नितुषा नाम दंत। इतुषा नाम तालु, नितुषा नाम मूर्धा और नितिषा नाम दंत। तो ये दंत्य है, ये मूर्धन्य है और ये क्या है? तालव्य। ठीक है, तो ये तीनों शब्द क्या है इस संधि में प्रमुख रूप से देखे जाएंगे। ठीक है, अब हम उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों से पहले आप इस संधि को थोड़ा वैसे समझते हैं कि ये जो तीनों शह हैं ये वाले कब कब होंगे, तो इसके लिए आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें, ज्यादा कुछ नहीं है। यदि विच्छेद के बाद क्या हो? तय और क्षय हो तो क्या होगा? ये होगा त, और क्षय होने पर ये होगा, और च और क्षय होने पर क्या होगा? ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में है, लेकिन किस कब होगा? खर वर्ण क्या रहते? खर वर्ण परे रहते, परे यानी बाद में। क्या हो? खर वर्ण यदि बाद में हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? सकार आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण समझे हम, नमस्ते, नमस्ते पद है तो क्या कह रहा है कि से के स्थान पर क्या हो जाएगा? से के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा। कैसे होगा? यदि बाद में क्या हो? खर वर्ण हो। एक बात ध्यान रखना, यदि तय और थे आए तो संधि पद, संधि वाले पद में क्या मिलेगा आपको? सर। तय और थे आए तो संधि वाले पद में मिलेगा क्या? कौन सा से? तालव्य से है। और यदि ट और ठ आए तो आपको मिलेगा मूर्धन्य श। विशेष रूप से ध्यान रखना ये बात, तय और ठ, ऐसे बोल सकते हो आप, तय और ठ मूर्धन्य श और तालव्य श, और ट और ठ आने पर मूर्धन्य, रटोषाणाम मूर्ध। उच्चारण स्थान का भी ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। संधि विच्छेद की यदि हम बात करें तो सह के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग आदेश हो जाता है। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग। बाद का पद क्या होता? त। बाद का पद वैसे उतार देंगे। अब देखो विसर्ग के, ये कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? सकार आदेश होता है। क्या आदेश होता है? सकार आदेश होता है यदि बाद में क्या हो? खर वर्ण हो। तो खर वर्णों में क्या आता है आपका? ते आता है। एक बार खर वर्णों को हम देख लेते हैं कौन कौन से खर वर्णों में आते हैं। तो इसके लिए आपको खप, छटत, चटतव, क, प, य, ये वाला पद है। उसके बाद स, श, और र। तो खर वर्ण कौन कौन से रहेंगे? ख, फ, ट, क, प, और तीनों सकार। ठीक है, ये वाले वर्ण यदि आएंगे तो क्या हो जाएगा? सकार आदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं उदाहरण, और जैसे तस्तेषु, तस्तेषु शब्द है, सत्तु के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हुआ है। कैसे हुआ है? तह प्लस तेषु, तह प्लस तेषु,
एक उदाहरण और देखें, मनस तोषः, छ के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, मन धन स्लेट कवाय जो सकार यानी दंती है जो तय है कवायगा, तय वर्ग होने पर यानी तय और थे होने पर क्या आएगा, दंती है सर का प्रयोग होगा। ठीक है, आज के लिए इतने उदाहरण बहुत हैं, बाद में पढ़ाएंगे, और आज के लिए इतना ही। निरंतर रूप से कक्षाएं लेते रहें, और जो भी समस्या है आप उसे हमें बताएं। यह आपका सौभाग्य है कि आपके विद्यालय ने आपके लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की हुई हैं, अन्यथा इस समय बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों को। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रतिदिन सभी विषयों की क्लास प्रमुख रूप से लें। धन्यवाद।